हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने वेक्टर के बारे में देखा था। आज हम लोग पेयर के बारे में देखेंगे। तो पेयर को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं पहले देखते हैं। तो हमने एक वेक्टर माना और वेक्टर के अंदर लिख दिया पेयर, और यहाँ हमने लिखा इंटीजर कॉमा इंटीजर। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि हमारे पास एक पेयर के फॉर्म में वेक्टर हमारा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे ऐसा डालना चाहते हैं कि 1, 10 एक पेयर हो गया। उसके बाद हम डालना चाहते हैं 2, 10, 2, 20। फिर हम एक काम करना चाहते हैं कि हम एक और एलिमेंट डालना चाहते हैं 3, 30। तो हम इस तरह का एक वेक्टर बनाना चाहते हैं जिसमें पेयर के फॉर्म में हम डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करें। ये पूरा हटा लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, वी डॉट पुश अंडर स्कोर बैक और अंडर ब्रैकेट लिखना है मेक पेयर। और ब्रैकेट के अंदर लिखना है 1, 10। इसी तरह से दो और एलिमेंट्स आपको इसमें डालने हैं पेयर बना के, 2, 20। इसी तरह से तीसरा एलिमेंट आपको डालना है 3, 30। प्रिंटिंग कैसे की जाएगी, अब इसको आप एक 2D की तरह से सोचिए। और हम ये मान लेते हैं कि ये जो हमारा वेक्टर बना है उसमें ये वाला जो कंपोनेंट है वो V0 कंपोनेंट है, 1 और 10 वाला। और ये जो कंपोनेंट है 2 और 20 वाला, ये मान लेते हैं कि V1 कंपोनेंट है, और ये मान लेते हैं ये कंपोनेंट V2 है। V0 में जो पहला वाला पार्ट है वो फर्स्ट कहलाएगा और जो दूसरा वाला पार्ट है वो सेकंड कहलाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट को हम कैसे एक्सेस करेंगे, तो चूंकि इसमें वेक्टर में 3 एलिमेंट्स हैं, सो i=0, i<3, एंड i++। और पहला पार्ट आप कैसे डिस्प्ले करेंगे, वी आई डॉट फर्स्ट, चूंकि 0 की आई की फर्स्ट वैल्यू हमारी 0 होगी तो वी आई डॉट फर्स्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद सेकेंड वैल्यू हम कैसे डिस्प्ले करेंगे, वी आई डॉट सेकेंड। तो पहला इंडेक्स है 0, उसके कोरिस्पॉन्डिंग फर्स्ट 1 होगा, और पहला इंडेक्स 0 उसके कोरिस्पॉन्डिंग सेकेंड 10 होगा। तो हम इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं एलिमेंट्स को। तो आइए एक बार देखते हैं इसको रन करके। सेकेंड वाला एलिमेंट प्रिंट करने के बाद आप एक कॉमा लगा सकते हैं। रन करके देखते हैं इसको। ये बड़ी सिंपल सी मिस्टेक है कि हमने वी तो डिक्लेयरी का नाम ही नहीं डाला इसमें। तो हमें ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पर डिक्लेयर करना चाहिए जो मैंने वेक्टर डिक्लेयर किया है। आइए यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं इंटीजर टाइप का। तो चेक कीजिए कि 1, 10, 2, 20 और 3, 30, 1 और 10 के बीच में कॉमा लगाने के लिए हम फर्स्ट के बाद कॉमा लगा देते हैं। और अगर आप ये चाहें कि पहले वाले एलिमेंट जो भी पेयर्स हैं वो ब्रैकेट के अंदर शो हो, तो हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं। और एंड में भी एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस हम लगा देते हैं। फिर से रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका पहला पार्ट है वो 110 है, दूसरा 220, तीसरा 330। तो इस तरह से आप पेयर्स बना सकते हैं। पेयर ही बड़ा ही यूजफुल थिंग, जैसे कि आपने इंटीजर इंटीजर का पेयर यहाँ पर बनाया है, आप इंटीजर स्ट्रिंग का पेयर बना सकते हैं। तो लेट्स से आपने यहाँ पे कहा स्ट्रिंग में अखिलेश, और यहाँ पे आपने कह दिया आदेश, और यहाँ आपने कह दिया अभिषेक। रन करके देखते हैं। तो देखिए कि आपने पेयर जो बनाया, पहला 1 अखिलेश, 2 आदेश और 3 अभिषेक। तो आप किसी भी टाइप का पेयर क्रिएट कर सकते हैं।
दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टैक और क्यू के बारे में देखेंगे। थैंक यू।